नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे खास शो जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मेरे सहयोगी कुमांदर जबलपुर की नब्ज टोलेंगे और साथ ही जनता के बीच समय मौजूद है और जनता से जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या कुछ मूड है। कुमारिंदर, ओवर टू यू। नमस्कार, 2023 के मध्य प्रदेश के महामुकाबले में आपका स्वागत है और इसी जनता के आदेश को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में दिखाने की जनता का आदेश यानी जनादेश क्या कुछ कह रहा है। हम मौजूद है पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या फिर से एक बार लखन घंघोरिया को यहाँ की जनता जिताने वाली है या फिर जो बात परिवर्तन की हो रही है यहाँ पर बदलाव होने वाला है? तमाम चीजें हम जानेंगे और ये भी देखेंगे इस पूर्व विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दे क्या है और यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी हम समझेंगे और तमाम चीजें समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इस बार तीसरी पार्टी की एंट्री भी हो चुकी है। MIM ने जबलपुर की एक विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उसको लेकर क्या कुछ समीकरण हो रहा है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस के कुछ लोगों से, उनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ एक बार फिर से उतर रही है। कांग्रेस के विकास के मुद्दे, भाजपा की नाकामी, प्रदेश सरकार की वो नाकामी कि कोरोना काल के पहले गरीबों के राशन कार्ड बंद कर देना और जब जनता भटकने लगी तो कहने लगे आपके दस्तावेजों का अभाव है। चाहती तो सरकार पहले दस्तावेजों के लिए समय देती और बाद में बंद करती। एक एक साल बाद लोगों के राशन कार्ड चालू हुए और एक साल का राशन जो समय में नहीं मिला उसको खा गई। जहाँ तक लाडली लक्ष्मी बहना की बात है, आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई भी पेंशन ले लें, कोई भी पेंशन ले लें, एक बार चालू होती है, जब जरूरतमंद पहुंचता है तब वो उस योजना का लाभ लेता है। क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना लेके आए हैं जो 8 दिन में चालू की, 80% लाडली बहनें, 80% लाडली बहनें उस योजना के लिए तड़फ रही हैं, तरस रही हैं। केवल चुनाव की दिखावे की योजना थी क्योंकि कांग्रेस 4 प्रदेशों में 1500 रुपये अपनी बहनों को दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। उसका पीछा करने के लिए योजना आई थी, इनकी अपनी योजना, ये इनकी योजना नहीं थी। जवाब ले लेता हूं। योजना कहाँ थी जी? जब 15 महीने की गवर्नमेंट थी आपकी तब आपने कोई योजना का लाभ नहीं दिया और आप योजना की बात कर रहे हैं। जब 15 महीने में कांग्रेस की बंटाधार सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, तब आपने योजना की बात नहीं की और जब शिवराज सरकार की योजना आई, लाडली बहना आया, तो आपको चीटा लग गया बड़ा। लाडली पहली चीज, एक में रुक जाओ, नारी लगवाओ, एक में रुक जाओ। कोरोना काल से लेके आज तक नरेंद्र मोदी द्वारा मुफ्त राशन योजना चलाई जा रही है। आपको मैं बता दूं भाई साहब, ये जो बात कर रहे हैं कोरोना काल की, वही कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा भोजन एक कांग्रेसी पार्षद बांट रहे थे, तब कहाँ गई थी सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं, यही बांट रहे थे। उठाया है, कह रहे हैं कि इसी सरकार का राशन जो है वो कांग्रेस बांटी थी, कांग्रेस सरकार द्वारा। कांग्रेस के विधायक के पांच किचन चल रहे थे, जनहित में जारी है। हमने नगर निगम का खाना नहीं बांटा, लखन घनघोरिया ने अपने स्वयं की राशि से 5 किचन लगाकर गरीब जनता के बीच में अपने वृद्ध माता पिता की चिंता ना करते हुए इस क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। लखन घनघोरिया ने केवल विकास मुद्दा माना है, हमने ना तो पक्ष देखा और ना विपक्ष देखा, हमने देखी है केवल जरूरत। आपको देखने मिलता है 50 करोड़ की संपत्ति खाली कराने के बाद, आप पीछे देख सकते हैं 50 करोड़ की वेंकैया नायडू से जगह खाली कराई और ये सामुदायिक भवन बनवाया, आप देख सकते हैं सामुदायिक भवन ये अंचल सोनकर ने भाजपा शासन में सैंक्शन करवाया, ये रोड अंचल सोनकर ने बनवाया, ये रोड भी अंचल सोनकर ने बनवाया 26 करोड़ से। ये शिवराज पंद्रह महीने की सरकार इनकी आ गई तो अपना नाम ले रहे हैं, सैंक्शन करवाया अंचल सोनकर ने विधायक रहते हुए। जब कांग्रेस सरकार रही तो सबसे पहले योजना बंद हुई और कांग्रेस सरकार 16 सरकार में
पार्टी विधायक जी के ऑफिस में फॉर्म भरे गए, उसके बाद एक भी आज तक राजकार नहीं बने, उसके बाद महिला के ऊपर लट चले गए। और रही बात कांग्रेस की, तो जो बोलते हैं कि कांग्रेस भाजपा सरकार आएगी और लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मैं उन कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि एनआरसी के बाद कितने लोग पाकिस्तान गए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कांग्रेस आज चुनाव में उतरी है वो शिवराज सरकार की टोटल नाकामी को लेकर उतरी है। आप युवाओं की बात कर लें, हमारे जो सहभागी भाई खड़े हैं, हम उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि 18 साल तो ठीक है, 18 साल ठीक है, बेकार 3 साल से बीजेपी की सरकार है। भाई 3 सबकी आवाज आ रहा है, सबकी बात सुनिए। एक विकसित शहर के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जो जरूरी होता है, उसके लिए माननीय लखन घनघोरिया जी ने रोजगार के लिए रेडीमेड गारमेंट। गुजारिश है कार्यक्रम हो जाने दीजिए, कार्यक्रम हो जाने दीजिए। अरे अभी 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 कलैया आदि के पेपर में आया, आज के पेपर में इनके नेता विधायक जीतू पटवारी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम लाडली बहना योजना बंद कर देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं, लाडली बहना मतलब बहनों तो कोई सरोकार नहीं है, बहनों का दर्द कांग्रेसियों को नहीं आता। दलित लोगों की और हरिजन लोगों की तरस रही है कि यहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी योजना का लाभ मिले। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अरजन सोलकर को विजय बनाए। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बोलू ये कांग्रेस ही बोलते थे। एक मिनट रुकना, मैं ये कहना चाहता हूँ नारी के हितेशी हैं, हित का चाहते हैं कि अहित चाहते हैं। जब ये अहित चाहते हैं तो घोषणा पत्र में 1500 का वचन देते हैं, और इनके जीतू पटवारी के नेता क्या घोषणा करते हैं कि ये जो योजना है कि महिला अपने लिए दुरुपयोग के लिए लेती है, जब इनको घोषणा 1500 ही करनी है। और मैं ये बात कर रहा हूँ, युवा का आज तक 18 महीनों में युवाओं के हित की बात की जा गई है कि नहीं की गई है? भैया इस तरह से कार्यक्रम नहीं होगा, सबकी बात सुन रहे हैं हम, इस तरह से कार्यक्रम नहीं होगा। हम बात आ रहा हूँ, मैं मौका दूंगा, इस तरह से कार्यक्रम नहीं होगा। देश की जनता सुन रही है, आपको देख रही है, आप इस बात का ध्यान, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता आपको देख रही है News 24 के माध्यम से, आप संयम रखिए, मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से प्रदेश में शिक्षा का लगातार स्तर गिरते जा रहा है, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे अभी जो भी नया घोटाला, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं द्वारा साथ घाट करके किया जा रहा है। लगभग 18 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा स्तर लगातार गिर चुका है, जिसका हम लोग 12 सालों से पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आला नेताओं के जू रेंगने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यापम जैसे बड़े घोटाला कर चुकी है, और अभी पेपर लीक हुआ है पटवारी घोटाला, ये आपके सामने जो भी सामने आया है, ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों लाखों एवं करोड़ों युवाओं के भविष्य को दांव पे लगाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता द्वारा करे जा रहा है। मैं आ रहा हूँ। ने हमेशा टूटा, ये पैसा दे के चुनाव लड़ते हैं, पैसा दे के ये एक मिनट शांत रहे, ये जो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं, जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में स्थायी फंड भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात के समय क्या बोला था, सिर्फ ढोर चराने बैंड बजाने का दे रहे थे, पढ़ा लगा व्यक्ति ढोर चलाएगा बैंड बजाएगा,
दूसरी तरफ नारी सम्मान के नाम में महिलाओं की सीक्रेट जानकारी उजागर की गई है कांग्रेस के लोगों ने। सवाल ले ले, सवाल कर ले, हम सवाल कर ले, सवाल कर ले। आप मंडल अध्यक्ष हैं जी, है ना? नहीं, मैं हूं। एक मिनट, मैं भी हूं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाईजान की एंट्री हुई है, उसको क्या लेके माहौल है यहाँ पर, ये बताइए। उससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये है कि जो योजनाएं चल रही है भाजपा की। नहीं, मेरा सवाल आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, आप दीजिए। MIM ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी बन के वो काम करेगी, इस पे क्या कहना है बीजेपी? करेंगे मंडल बताइए भैया। जो किसी के खड़े होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व विधानसभा में यहाँ के वर्तमान विधायक ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम सब इस विधायक के खिलाफ हैं और मिलजुल के वो भाजपा को वोट करने वाले हैं। इन्होंने खाली बहका के रखा हुआ है। ठक्कर ग्राम को इन्होंने मुस्लिम बहनों को भाइयों को बहकाया हुआ था कि हम यहाँ पे ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे और बोले थे कि दुबई बना देंगे। आज आप देखिए सबसे पिछड़ी बस्तियों में से जानी जाता है ठक्कर ग्राम मुस्लिम बाल्टी। सवाल ले लूं जी, मैं इनसे सवाल ले लूं जी। मेरा सवाल एक बहुत गंभीर है, और क्या इस बार जो MIM ने जो प्रत्याशी उतारा है वो सिर्फ जबलपुर की एक सीट पर क्यों उतारा है? ये जो चर्चा चल रही थी जबलपुर में कि अंचल सोनकर ने लगन गंगोरिया को उतारने के लिए इस तरह से गज्जू के साथ हाथ मिलाया, ये बात में सच्चाई है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। एक चीज तो ये स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है वो अपने विकास के कामों को लेकर उतरती है। हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है विकास। हाँ। और हमने जो विकास किया 2003 से लेकर 2023 चल रहा है, आप देख लो जबलपुर में जो भी विकास दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की देन है। बात आती है बी टीम की और सी टीम की, इससे हमारे को चीजें फर्क नहीं पड़ता। हमारा सामना चाहे तीन लोग आ जाए या चार लोग आ जाए, हम जनता के बीच में जब जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा वो विकास के दम पे जाएगा, लाडली बहना योजना के दम पे जाएगा। ऐसी अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता ने हमें पिछले 20 वर्षों से आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद हमें फिर मिलेगा। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम नेता है भाजपा के, ये 60,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट जो है वो किस तरफ स्विच होने वाला है इस बार? देखिए, इस बार का आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला होगा। हाँ। जो लोगों ने मुसलमानों को अपनी बपोती समझी थी, मुसलमानों को मुस्लिम वोट बैंक समझ के रखा था, जो कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से भाजपा के नाम से मुसलमानों को डराया, आज जितनी भी योजनाएं चलती हैं योजना जाति पात को देख के ही चलती। जो हम हिंदू बहना को मिल रहा है योजना का लाभ, वही मुसलमान को ही मिल रहा है। इसमें कहीं बटांग नहीं की है सरकार ने, और इंशाल्लाह ताला आने वाला समय बहुत अच्छा होगा जब मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मैं कुछ आम लोगों से भी सवाल ले लेता हूँ। इसी विधानसभा से हैं अभी? हाँ, पूर्व विधानसभा से हूँ, है ना? क्या वाकई में विकास के मुद्दे हैं इस बार या फिर चुनाव में कुछ और? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पे लखन भैया की, तो उन्हें आज तक इस क्षेत्र में ऐसा कोई विकास कार्य गिनवा दीजिए जो उनके द्वारा किया गया हो। 5 साल में उन्हें एक भी ऐसा विकास कार्य नहीं कराया गया है कि हम गिनवा सकें आपको। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के विधायक माननीय अंचल सोनकर जी विजयी होते हैं तो हमें विश्वास है कि वो यहाँ विकास कार्य करवाएंगे। लोग कह रहे हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तीसरे कैंडिडेट को उतारा है। ये बेतुलके की बातें हैं, ऐसा नहीं। सबको अधिकार है लड़ने का और सब अधिकार से लड़ते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो। चलो, हम आम मैं पार्षद हूँ, मैं अपने वार्ड की, मैं आचार्य विनोबा वार्ड से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में वर्तमान विधायक लखन घनघोरिया के अपराधी गुर्गो के द्वारा वार्ड में 8-8-10 जगह दो दो नंबर के काम जुए सट्टे खुले तौर पे खेले जा रहे हैं। महिलाएं परेशान है, बहनें पानी नहीं भर पाती दशहरे में। आपका है, पुलिस आपकी है, विधायक धरने विधायक थाने में धरना देता है उन्हीं अपराधियों को छुड़ाने के लिए। सरकार आपकी है, विधायक धरना देता है उन लोगों को छुड़ाने के लिए। मैं लखन घनघोरिया के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, सिस्टम आपका है, लेकिन विधायक उनको छुड़वा रहा, थाने में धरने दे रहा, 3-3, 4-4 लोगों का मतलब आप कह रहे हैं कि सिस्टम आपकी सरकार की नहीं सुन रहा। विधायक के हाथों से सब पूरी कहानी है इसकी, मतलब इतना बर्बाद किया पूर्व विधानसभा क्षेत्र को लखन घनघोरिया ने 5 साल में कि मैं आपको क्या बता दूं। हर गली हर मोहल्ले में, मतलब इतना। आप कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी की यहाँ पर सुन रही है, सरकार की नहीं सुनी जा रही है। हाँ जी, हम समझना चाह रहे थे कि जनता का मूड क्या है। ये चूचू का मुरब्बा में कभी मंथन से निकलता नहीं है, क्या सोच रही है एक्चुअल में जनता? यहाँ जनता ये सोच रही है कि अभी वर्तमान जो स्थितियाँ देख रही है, चाहे वो केंद्र सरकार का चाहे प्रदेश सरकार का हो,
ठीक है ना। अभी जो पहले जो योजना निकलती थी एक जाति के अनुसार की, मजहब वालों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, हिंदुओं के लिए, अब सरकार ने क्या कर दिया, वही एक योजना मतलब गरीबी, तो गरीबी तो सभी में है, ठीक है, तो सबके लिए एक सी योजना, कोई अलग से कोई योजना नहीं, सबको एक बार आवाज मतलब समान विकास, समान नागरिक, सबको सब एक समान उनको व्यवस्थाएं दी जा रही है, जिसके कारण भाई हम सरकार को पसंद कर रहे हैं आज वर्तमान सरकार, जब प्रदेश सरकार ने भी योजना जो दे रही है, जैसे आज वर्तमान में अभी एक लाडली बहना योजना चल रही है, ठीक है ना, पूरे प्रदेश में 1,32,00,000 बहनों को इसका लाभ मिला, उसके एवरेजन में निकाला जाता 230 विधानसभा करीबन 57,000 इस पूर्व क्षेत्र, मतलब सभी विधानसभा 57,000 महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है, ठीक है ना, और जो भविष्य में आगे बढ़ने का है। अब इस योजना को देखते हुए लागू करने के बाद जो सरकार, प्रदेश कांग्रेस सरकार है, पिछले 65 सालों में तो योजना तो ठीक है, गरीबी ही रही हमेशा, बोले गरीब गरीब और सांप पेड़ों का देश था, अब गरीबी मिट गई, अभी मिटने में टाइम लगेगा, गरीबी जो मिटी, गरीबी किनको आई है, जो कांग्रेस जो दलाल थे, जो बोला जाता था कि जो पिछले एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि हम 1 रुपया भेजते 15 पैसे पहुंचता पब्लिक के पास, अब जो हुआ है जैसे 50 करोड़ करीबन खाते जनधन के खुल चुके, अब जो डायरेक्ट जो सरकार की योजना का धन है सीधा खाते में जा रहा है, तो बीच की जो 85% की जो दलाली है जो कांग्रेस वाले खाया करते थे, वो दलालियाँ ख़त्म हो गई, और दलाली ख़त्म होने क्या रहे? वो बेरोजगार हो गए, ठीक है ना, और भी जो चीज़ें हैं जैसे और भी जैसे मैं एक चीज़ समझूंगा कि इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो स्थानीय मुद्दे है क्या, या फिर इसने वो कहा कौवा कान ले गया वही वाली कहावत यहाँ पर? बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ, हाँ, के जो विधायक हैं, हाँ, इनको 5 साल में जनता ने देखी नहीं कि हमारे विधायक हैं कैसे, 5 साल में गायब हो गए, हाँ, जनता की सुध लेने नहीं आए, कोरोना काल में इन्होंने कोई सुध नहीं लिया, लोग तड़प रहे, मर रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको अन्य निःशुल्क प्रदान किया, वैक्सीन लगाई इनको, भाई हर घर में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, एक बच्चा जो जन्म लेता है उससे उसके जीवन काल से पढ़ने से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक की भारतीय जनता पार्टी ने उसकी व्यवस्था करी है, मतलब ये सरकार इसने ये कहा है कि कोई अगर बच्चा पैदा होता है चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, लाडली लक्ष्मी बहना का योजना, लाडली लक्ष्मी जो पूरी राशि को मिल रही है, मतलब पक्का मकान, पक्का शौचालय, अन्य सब कुछ मिल रहा है। सर जी, आज मैं पूर्व क्षेत्र के अंदर रहने वाला आदमी हूँ, जैसे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग के लिए जब कोरोना काल की स्थिति आ गई थी तो मैंने फ्री सिलाई मशीन शासन से लड़के उन लोगों को दिलवाया, और आज दलित लोगों की आत्मा तड़प रही है कि ऐसे लोगों के बीच में सस्ता चली गई है जहां लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा लाभ मिले और माननीय अंचल सोनकर को विजय बनाएं। जय माता की। आप ये चाह रहे हैं क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, हमें ये बताइए पब्लिक क्या सोच रही है यहाँ, पब्लिक क्या सोच रही है, 3 दिसंबर को बताएगी पब्लिक, पब्लिक के मन में क्या है, भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस ने दिया क्या है, 70 सालों में कांग्रेस ने केवल लूटा है भारत को, अभी मोदी जी के आने के बाद हम लोग आज़ाद हुए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कांग्रेस ने 24 वकील विपक्ष में लगाए थे, मंदिर का मुद्दा रहेगा क्या पूरे विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं, है नहीं, है होना भी चाहिए भाई साहब, नहीं है कि नहीं ये बताइए, है क्या है मुद्दा बताइए, मुद्दा ये है कि राम मंदिर बना, कांग्रेस ने 24 वकील लगाए थे राम मंदिर के खिलाफ, श्री राम जी को काल्पनिक उन्होंने बताया था, तो ये सब चीज़ लोग जनता जानती है कि हमारे भगवान श्री राम जी जिनके सिद्धांतों पे अपन जीते हैं उनको उनने काल्पनिक बताया था, ठीक है ये बात है, बता रहे क्या कह रहे हैं, सनातन धर्म को 800 करोड़ इंडिया अलायंस बता रहा है, तो कैसे वो वोट पाएंगे सनातन धर्म के, हिंदुओं के वोट आप कैसे पाएंगे, और खड़के जो राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष खड़के उनका लड़का वो उनकी बात का समर्थन कर रहा है, और इन्हें पूरे गठबंधन है, और ये झूठ मूठ में बता रहे हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, ये है वो है, ये चुनावी भक्त हैं, जो मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों को कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम, अपने वादे, अपने घोषणाओं पर खड़े उतरती है, धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर 3 तलाक से लेकर सारे मुद्दों पे हम खड़े उतरे, जितना भी काम करते हैं हम विकास का काम करते हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर ये सारी जितनी योजनाएं हैं, हम तो योजनाएं गिनाने के बैठेंगे तो 365 योजनाएं बताएंगे जो जमीन और धरातल पर चल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है, पर कांग्रेस के मित्रों को ये बता दें कि 15 महीने की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, सिवाय सिवाय ट्रांसफर उद्योग करप्शन का करप्शन नाथ, ठीक है जाके बैठा रहा, सचिवालय में दलालों की भीड़ हुआ करती थी, कोई ऐसी एक योजना बता दें जो भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में चलाई थी, जनहित में चलाने वाली सारी योजनाएं
चाहे तीर्थ दर्शन हो, गरीबों को राशन की बात करें, गरीबों का राशन, स्वास्थ्य, एक्स वाई जेड सारी योजनाएं बंद कर दी थी। जिस प्रकार से इनके अलायंस जो हैं, ये बात करते 1500 रुपये ये और 500 रुपये ये, केंद्र सरकार की योजना और केंद्र चलाता हैगा पेट्रोलिज्म, ठीक है डिपार्टमेंट, ये क्या आपने घर से पेट्रोल घर से गैस पैदा करके देंगे क्या? ठीक है ना, हम समझ गए। हाँ, क्या कह रहे थे बताइए आप। मैं ये कह रहा था, हाँ, कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार रही यहाँ पे, उस समय सारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पहले की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के समय की जितनी जनहितैषी योजनाएं थी सारी योजनाएं बंद कर दी। और उसके साथ साथ मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं, पूरे 15 महीने की सरकार में आप जबलपुर नहीं मध्य प्रदेश के किसी भी एक क्षेत्र में एक विकास कार्य बता दें कि आपने क्या विकास कार्य किया है? सिर्फ एक ही काम किया है उनने, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चला के एक कांग्रेसी नेता आके ट्रांसफर कराता, दूसरा कांग्रेसी नेता उसको आगे फिर वापस लाता, एक ट्रांसफर कराने में पैसा कमाता है, दूसरा करने में तो नहीं होंगे ट्रांसफर। आप देखिए इतने लगभग 20 साल हुए जा रहे हैं, होने को जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी अच्छी सरकार चल रही है, जनहितैषी अनेकों योजनाएं चला रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार भी इतनी अच्छी योजनाएं चला रही है। 65 साल में कांग्रेस की सरकार ने एक जम्मू कश्मीर के लाल चौक में झंडा नहीं फहरा, तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाया, लेकिन 9 साल के शासनकाल में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लाल किले के साथ साथ चांद में तिरंगा फहरा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री जिनने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, ऐसा माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में समय से देश मजबूत हुआ। राष्ट्र पहले क्या था, चीन से डर रहे थे, पाकिस्तान से डर रहे थे, मोदी आए, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी सेना के पास, किसके पास नहीं थी, भारतीय सेना, ये जानकारी कहां से? ये जानकारी हम लोग न्यूज में देखते थे, पढ़ते थे, देख रहे थे, जनता हम लोग समझते उस चीज को। आप ये बताओ, आज भारत का विश्व में नाम है, मोदी अग्रणी में चलते हैं, बड़े बड़े नेता आके कोई हाथ मिला रहा, कोई पैर छू रहा, कोई आशीर्वाद ले रहा, और इसके पहले क्या होता था, अक्षर मंदिर में आके 250 लोगों को मार के चले गए, सेना ने बोला हमें अनुमति दो, सेना ने बोला हमें अनुमति दो कि उन पर कार्रवाई। ये भाजपा के लोग हैं, हम अरे मैं आऊं, क्या 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 है माहौल यहाँ पर बताइए यही पूर्व विधानसभा में रहते हो आप? हाँ, क्या स्थिति क्या है यहाँ पर, हमें ये बताइए। सही है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। माहौल किसका है भैया? अंचल भैया, अंचल भैया का, ऐसा अंचल भैया का माहौल चल रहा है, क्या है? अंचल सोनकर जी विजय होंगे भारी मतों से। अच्छा, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करी यहाँ पर, 5 सालों में एक भी काम नहीं किया लखन गंगोरिया ने। लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, लखन गंगोरिया है कौन, सिर्फ अब फ्लैक्सों में दिख रहे हैं वो, अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ। इतना बड़ा सामुदायिक भवन इन्होंने बनवाया है, पैसा उनके जेब से थोड़ी आता है, मुख्यमंत्री जी की देन है। क्या भाजपा के विधायक रहेंगे तो अपने जेब से बनाएंगे? भाजपा लेकिन काम करती है, वो अपने जेब से, जिसकी सरकार रहेगी वो बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने पास किया था इसका पैसा, जितने भी बड़े बड़े विकास का विधायक आएगा, एक सामुदायिक भवन से लोगों का घर नहीं चलता है, ठीक है, एक सामुदायिक भवन से नहीं चलता है। एक सामुदायिक भवन को छोड़ दिया जाए तो क्या ये इतनी छोटी सी विधानसभा है? पूर्व विधानसभा बहुत विशाल है, स्कूल नहीं खुले, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक विकास हुआ। ये जी विधायक जी का कहना है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जी है ना, उसको उन्होंने समस्या समाधान जी, इसके पहले अंचल सोनकर जी हमारे विधायक के पानी की समस्या पहले ही खत्म हो गई है, और शिवराज जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल मिशन योजना चलाई है, जो हर घर में जल नल लगाने की योजना है, जिसमें आज सभी घरों में पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। नर्मदा जी की अलग से लाइन बिछाई जा रही है और घर घर तक जल पहुंचाया जा रहा है। और भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों में चलने वाली पार्टी है, 365 दिन हमारे 24 घंटे कार्यकर्ता हमारा काम करता है। ये कांग्रेस के कुकर मुक्तों वाली पार्टी नहीं है, जो बारिशों में आगे कुकर मुक्त उग जाके, इसी तरह से कांग्रेस की जब शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, बताइए वाकई में कह रहे हैं कि लखन भैया ने यहाँ काम नहीं किया, ऐसी स्थिति है क्या? हाँ है ना, हाँ बिल्कुल है। किसने बनाया ये सारी चीज़? ये सब शासकीय फंड से बना हुआ है। ये तो कोई भी विधायक आएगा तो शासकीय से बनाएगा, उसकी तो इनकम से कोई बनाता नहीं, नहीं तो ये श्रेय किसके नाम पे जाएगा? ये मैं मानता हूँ कि आपने डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं नहीं, नहीं। कांग्रेस का विधायक बनाएगा तो शासकीय मद हो गया? नहीं नहीं, वो होता ही है ना, बीजेपी का विधायक बनाएगा तो बीजेपी के खाते में? नहीं, ऐसा किसने बोला? ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनता बोल रही है। आप देखिए, आम जनता जो बोलेगी आप बोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, मैं भी आम जनता हूँ। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। हाँ हाँ, हर विधायक को कहाँ से मद मिलता है विकास करने? विधानसभा से। फिर तो जब विधानसभा से फंड मिलता है, आज प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हर विधायक को फंड मिलता है, उस फंड से वो क्या करता है? अपना विकास कार्य करता है। विकास कार्य करेगा ना, जब विकास कार्य करेगा
तो वो किसका विकास कार्य होगा? भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य होगा ना। एक चीज बोलूंगा आपसे, आज लाडली बहना का जो आज कांग्रेस की जो बहनें भी हमारा क्या ले रही हैं, फायदा ले रही, लाभ ले रही हैं, वो किसके खाते में जाएगा? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? आज जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश से लेके केंद्र सरकार तक, जनधन खाते, जनधन की जितनी भी ला रहे हैं, हम भी ला रहे हैं योजना 1500 की, जब वो लाएंगे तब लाएंगे ना। ये तो उनका क्या है, एक प्रोपोगंडा है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। पहले भी आपको याद होगा जब 15-18 महीने की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, सुनकर देने के बाद भी प्रोपोगंडा, आप पूछ लो 15 लाख का क्या हुआ? मेरी बात तो सुनिए, बात 15 लाख की नहीं है। उन्होंने क्या बोला था कि हम किसानों का कर्ज माफ कराएंगे और नहीं तो सीएम को चेंज कर देंगे। क्या हुआ राहुल गांधी के स्टेटमेंट का? आज भी वो कुछ भी बोलते आ रहे हैं। आज जब हमारी लाडली बहना का शुभारंभ हुआ, माननीय शिवराज जी के द्वारा हुआ, आज उनने फॉर्म भराना चालू कर दिए, हम सिलेंडर इतने में देंगे, हम आपको बहनों को इतना देंगे 1500। वो 1500 की बात कर रहे हैं, हमारे शिवराज जी तो 3000 महीना देने तैयार है ना, और चालू भी कर दिया उनने योजना को। और निश्चित तौर से आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में माननीय अंचल सोनकर जी पुनः विधायक बनने जा रहे हैं, आ गई हैं। महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या माहौल है इस बार यहाँ पर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का? बहुत अच्छा जी। जो अपना वो क्या नाम है, कमलनाथ थे ना, तो बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं, और सबको मतलब बहनी बिटिया को, शिवराज सिंह भैया, और जो पूरा मकान बनाने को दिए गरीबों को, और महिलाओं को भी बहुत अच्छा कर रहा है कि 1000 रुपये दे रहे हैं, इसलिए जी जी जी। खाते में आया नहीं आपके? आया जुबान लड़खड़ा रही है आपकी? नहीं आया है। फिर आप अमाउंट क्यों नहीं बता पा रहे? 1000 चार महीने से आया भाई, देखो 3 महीने आया 1000, इसके बाद 1250 रुपए आया, अभी आएगा 3000 रुपए जीतने पर। और हम चाहते हैं कि हमारे फिर से ही मामा आए, हमारे भैया आए, सबके लिए। इस महीने का पैसा आया है क्या? अभी तो नहीं है भैया, लेकिन आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कल चेक कर रहे हैं, चेक नहीं हुआ। पूरा भरोसा है, विश्वास है कि अभी 4 तारीख के अंदर, 4-5 तारीख के अंदर आ जाता है। दिवाली के पहले, दिवाली के पहले त्योहार में बहनों का खर्चा। अच्छा, वाकई में है लाडली बहना जो योजना बनाई है? जी जी, हम लोग बहुत खुश है, कमल ही जीतेगा, हमारी तरफ से कमल ही जीतेगा। हाँ, भाई ही आना चाहिए। 1000 रुपए में मतलब आप कह रही हैं कि हम वोट नहीं? 1000 में नहीं, हमारी लड़कियां जिनकी नहीं है भैया, अगर मान लो हमारी बड़ी हो गई, जिनकी छोटी उनकी लाडली बहना बन रहा है, उनके पढ़ाई के पैसे आ रहा है, सब कुछ। मान लो हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, जो हमारी बहनों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको आ रहा, उनके भविष्य के लिए स्कूटी दे रहा, पढ़ाई का पैसे दे रहा, गाड़ी दे रहा, देखो सब चीज की सुविधाएं तो कर रहा है। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको? अब यही तो चाहिए हमको, हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी होना चाहिए, फीस नहीं लग रही, हमारे बच्चे 1 रुपए में पढ़ रहे, मेधावी छात्रा में दोनों लड़कियां मेरी, 1-1 रुपए में। हाँ माता राम, क्या है जी? हमारा पैसा नहीं आ रहा भाई, नहीं पेंशन आती रही, 600 से 1 रुपए ज्यादा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। वो तो बोल रहे थे पेंशन बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाई, 600 दे रहे, 600 दे रहे, बोले थे ना 1000 करने के लिए, नहीं आता है। कितना बोले थे बढ़ाने के लिए, याद है? 400 बढ़ाए नहीं अभी जी, नहीं। ये देखिए, ये आपने माता राम को नहीं दिया और खुद पैसे ले लिए? नहीं, हमको तो मिला भाई। हाँ। हम तो बोल सकते हैं हमको मिला, हो सकता है नहीं आया हो उनका, लेकिन हमारा तो आया है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये हम पहुंचे हुए थे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ये समझने के लिए कि इस बार पूर्व विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है और इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। तो कह रहे हैं कि लखन घंघोरिया लोग जो है वो काम कराए भी है और नहीं भी कराए हैं, और यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि भाजपा वाले लखन घंघोरिया के विकास के काम को ये कहकर टाल रहे हैं कि ये काम विधायक जी ने अपनी निधि से नहीं, सरकार के पैसों से कराया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के विधायक के काम सरकार के पैसों का है और भाजपा के विधायकों का काम पब्लिक के पैसों का है? ये तमाम मुद्दों को हम लेके थे, फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और देखेंगे कि 2023 का मध्य प्रदेश के महामुकाबले का भाग्य विधाता यानी कि मध्य प्रदेश का मतदाता
क्या कुछ कह रहा है और क्या है जनादेश यानी कि जनता का आदेश। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।